हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है सभी की फेवरेट और इंस्टेंट बनने वाली वेज चाउमीन। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम चाउमीन बना रहे हैं। इसमें हमने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करा है और देखिए कितनी खिली खिली बनी है। बिल्कुल एक एक जो चाउमीन का नूडल्स है बिल्कुल खिला खिला बिखरा बिखरा हुआ है। तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इतनी बेहतरीन सी चाउमीन तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक बड़े से पॉट में 1 से 1.5 लीटर पानी हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने से जो नूडल्स हैं वो उसमें थोड़ा नमक का टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ थोड़े फीके फीके से रह जाते हैं, तो इसलिए बॉईल करते टाइम हमने इसमें नमक का इस्तेमाल करा है। अब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नूडल्स लेंगे। आप कोई से भी नूडल्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने प्लेन नूडल्स लिए हैं। जब पानी में बॉईल आ जाएगा नूडल्स हमें तभी ऐड करने हैं और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। नूडल्स डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसको पहले चलाएंगे। चलाने के बाद अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ 1 से 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करा है। और इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक करते हैं हाई फ्लेम पर। 8 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ ये 80 to 85% डन हो जाना चाहिए। अब हम इसको फैली हुई प्लेट में नूडल्स को निकाल लेंगे, पानी से अलग कर लेंगे और थोड़ा सा इस पर तेल स्प्रेड कर देंगे। जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो डाल देंगे, उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से चाउमीन आपस में चिपकेंगी नहीं और खिली खिली रहेंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब गैस पे कढ़ाई गर्म करते हैं, उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और यहाँ 2 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। इसको फ्राई करा है 1/2 मिनट के लिए और फिर इसके बाद हमने प्याज डाल दी है काट कर। इसको भी हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे सिर्फ 1/2 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत हाई फ्लेम पर इसको कुक करा जाता है और सब्जियों को डालते चले जाते हैं और फ्राई करते रहते हैं। इसके बाद हमने गाजर डाली है क्योंकि गाजर थोड़ा देर में सॉफ्ट होती है, तो इसके बाद हमने गाजर डाली है। गाजर डालकर 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं और इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है। कोशिश करें कि जो सब्जी हैं उनका शेप एक ही हो, एक ही शेप में काटें जिससे कि कुक होने में उनको एक सही टाइम लगे। ऐसे ना हो कि कोई सब्जी बड़ी है कोई सब्जी छोटी काटी है तो उनको फिर सॉफ्ट होने में गलने में अलग अलग टाइम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए शेप का थोड़ा ख्याल रखें। अब इसके बाद यहाँ पर हमने पत्ता गोभी काट कर डाला है, इसको भी इसी तरह से बारीक बारीक काटा है और इसको भी हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए कुक करते हैं। बहुत ही तेज़ी से तैयार होती है ये रेसिपी। अब इसके बाद हम इसमें मसाले डालते हैं, तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है और साथ साथ ही टेस्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर नमक डाला है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच ही नमक डाला है क्योंकि बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था, तो नमक डालते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। बस अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसी स्टेज पर सॉस डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सभी चीज़ों में। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है और 1 ही चम्मच वाइट विनेगर डाला है और इसके साथ साथ ही ग्रीन चिली सॉस, ये भी 1 चम्मच जाएगा, और केचप यहाँ थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ मैंने 3 चम्मच केचप के डाले हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी सॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कोई भी चीज़ कम कर सकते हैं। इस टाइम मिक्स करने से जो सॉस हैं वो अच्छी तरह से सब में एक से मिक्स हो जाते हैं। अगर नूडल्स के बाद इन्हें मिक्स करो तो ऐसा होता है कि कभी नूडल्स कहीं से ज़्यादा उनका टेस्ट ज़्यादा हो जाता है या कलर ज़्यादा वहाँ से डार्क हो कहीं से लाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इस टाइम पहले सॉस डालें फिर उसके बाद नूडल्स ऐड करें। अब नूडल्स डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और ज़्यादा तेज़ी से चलाना नहीं है अदरवाइज़ नूडल्स टूट जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको मिक्स करना है।
और फ्लेम को तेज़ ही रखना है। जितनी भी चाइनीज़ कुकिंग होती है वो हाई फ्लेम पर होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस सभी चीज़ों के अच्छे से मिक्स होने तक हम इसको चलाएंगे। बहुत ही तेज़ी से बनती है और बहुत ही सबको पसंद आती है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। ये बिल्कुल तैयार है, एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइम यहाँ पर नमक या मिर्च को, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसमें इसको निकालते हैं अपने सर्विंग बोल में। देखिए कितनी बेहतरीन और एकदम खिली खिली बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे इस रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।